अब आएगा मजा, अब होगा मालिक का डिवोर्स। ममता तू रो क्यों रही है, क्या हो गया तुझे? मालकिन, वो मालिक ने, मालिक ने मालकिन वो मालिक ने ना मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझे लगा कोई काम होगा, लेकिन मालिक ने कमरे में बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करी। ये क्या बकवास कर रही है ममता तू, तेरे मालिक ऐसे नहीं है। मालकिन मेरे को पता था आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैंने अपने फोन में फोटो ली है, ये देखो। क्या शोर मचा रखा है भाई? ममता तू रो क्यों रही है, क्या बात हो गई? ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुम्हें। शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसा करते हुए? एक नौकरानी के साथ जबरदस्ती की तुमने? नौकरानी के साथ जबरदस्ती? क्या कह रही है तू, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ, अब ना तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, तुम्हारा घिनौना रूप ना मैं इसके फोन में देख चुकी हूँ। अरे ऐसे क्या देख लिया इसके फोन में, मैं भी देखना चाहता हूँ, दिखा अपना फोन। क्या देखना चाहते हो, अपना असली रूप? अरे तुम्हारा असली रूप तो हमारे सामने आ चुका है, इसीलिए तो तुम मुझे टाइम नहीं देते थे ना, क्योंकि तुम तो अपना सारा टाइम इस नौकरानी को देते थे, है ना? तुम्हारी सच्चाई ना अब सामने आ चुकी है। अरे मैंने ऐसा कुछ भी ना किया इसके साथ, तू क्या बकवास कर रही है? अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ, अब ना तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है, और जब सच्चाई सामने आ ही रही है ना, तो एक सच और सुन लो, मैंने भी ना अपने लिए किसी और को ढूंढ लिया है, और मैं 6 महीने से उसके साथ हूँ, और तुम्हारी इस नीच हरकत के बाद ना मुझे प्रूफ भी मिल गया तुमसे डिवोर्स लेने का, और तुमसे डिवोर्स के बाद तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी तो वैसे ही मेरे नाम हो जाएगी, तो फिर चाहे तुम इस नौकरानी के साथ रहो या किसी सब्जी वाली के साथ रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रही हूँ। रानी सुन तो सही, रानी ममता मैंने तो तेरे साथ कोई बदतमीजी ना करी, फिर तूने झूठ क्यों बोला? आप सही कह रहे हो मालिक, आपने कभी कोई बदतमीजी नहीं करी मेरे साथ, लेकिन ये सारा नाटक मैंने इसलिए किया कि मालकिन की सच्चाई आपके सामने आ सके। सच मतलब? मालिक जो इतने दिनों से इस घर में चल रहा था ना, जो आपके पैसे चोरी हो रहे थे, घर के कीमती सामान चोरी हो रहा था, आपको क्या लग रहा था वो मैं चोरी कर रही थी? वो मैं चोरी नहीं कर रही थी, वो मालकिन चोरी कर रही थी अपने उस दोस्त के लिए। ममता क्या कुछ ना किया था मैंने इसके लिए, और आज साफ साफ मेरे मुंह पे बोल दिया कि वो किसी और के साथ 6 महीने से रिलेशनशिप में है। अगर आज ये सब कुछ ना होता इसकी असलियत तो मेरे सामने ना आती, जैसे इसने मेरे साथ किया ना, मेरा भरोसा उठ गया इंसानियत से, आज के बाद मैं किसी पे विश्वास ना कर पाऊंगा।